उन 108 बीजों में सारी दुनिया समाई हुई. इन दोस 108 सीड्स द होल वर्ल्ड इज कंटेंट. सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार 500-700 करोड़ की जो दुनिया है. द नेचर एंड रिजॉल्व्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑफ 500-700 क्रोर्स वो सब उन 108 बीजों में देखी जा सकती है. All that can be seen in those 108 seeds. इसलिए शास्त्रों में कथा आती है. Therefore, there is a story in the scriptures. कि पृथ्वी जब गर्त में जा रही थी. That when the earth was about to collapse. तो एक नाव में सब तरह के बीज इकट्ठे किए गए. Then in one boat, all types of seeds were gathered together. ताकि ये सृष्टि खलास न हो जाए कहीं. So that the creation should not end. Baba कहते हैं ये है तुम्हारा चंद्रकांत वेदांत जहाज. Baba says this is your Chandrakant Vedanta Jahaj, that is a ship by name Chandrakant Vedant. नाव नहीं है, क्या है? चंद्रकांत वेदांत जहाज. It is not a boat. What is it? Chandrakant Vedanta Jahaj. इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की बड़ी महिमा है. This Chandrakant Vedanta Jahaj is praised a lot. जो इनका आसरा लेंगे वो इस विषय सागर से पार चले जाएंगे. Whosoever will take shelter in it, they will go across the ocean of vices. डूबेंगे नहीं, वो बीज सुरक्षित बने रहे. They will not drown. Those seeds will remain safe. अब नई दुनिया तैयार हो रही है. Now the new world is getting ready. जहाज भी तैयार हुआ पड़ा होगा. एंड द शिप ऑल्सो माइट बी रेडी. भक्ति मार्ग में कहते भी है, हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज. इन द पाथ ऑफ डिवोशन दे से द हिंदू पीपल से शंकर चाप जहाज. जही चढ़े उतर आए पार नर बूढ़ी सकल संसार. क्या शंकर का जो शरीर रूपी धनुष है वो जहाज के मुआफिक है संसार सागर में. What? The body of Shankar, which is like a bow, is just like a ship in this ocean-like world. उसे जहाज का जिसने आधार ले लिया. One who has taken support of that ship. आधार पकड़ लिया. Or has caught hold of it. वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा. Will go beyond this ocean-like world. अगर कहीं भटक गया और जहाज का आसरा छोड़ दिया. If he gets lost somewhere and if he leaves the support of this ship. कोई छोटी मोटी दूसरी नवैया का आधार ले लिया तो हो सकता है डूब जाए. And takes the support of some other small boat, then it is possible that he may drown. बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया हूँ. Father says that I am the boatman who puts across both your soul and the body which is like a boat. ये ऐसा जहाज है जिसका खिवैया एक ही है. This is such a ship whose captain or boatman is only one. अनेकों उसके खिवैया नहीं है. Many are not its boatmen. दस सिर वाला रावण उसका खिवैया नहीं है. Ten-headed Ravan is not its boatman. Maya Ravan khene wala nahi hai. Maya Ravan is not the one who steers it. Ek Ram hi hai jo is jahaz ko chalane wala hai. One Ram alone steers this ship. Us Ram mein wo nirakar Ram pravesh hai. The incorporeal Ram has entered that Ram. Ye 16,108 nahi honge. This will not be 16,108. ये होंगे 9,16,108 आत्मा. They will be 9,16,108 souls. सब पार जावेंगे. All will go across. पार लगने का टाइम भी बता दिया. कितना टाइम होगा? The time for getting across has also been mentioned. How much time will it take? कितना टाइम लगेगा? एक सेकेंड. हाउ लॉन्ग विल इट टेक? वन सेकेंड. वो तो अपना अपना एक सेकेंड सबका अलग अलग है. दैट वन सेकेंड इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. लेकिन 9,16,108 का बताया वो सबका पार लगने का टाइम कौन सा होगा?
but the talk is of 9,16,108. What will be the time for everybody to go across? अरे संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया? 100 साल. अरे एट द मैक्सिमम द कॉन्फ्लुएंस एज इज टोल्ड टू बी ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 100 इयर्स. 2036 में वो 9,16,108 सब पार लग जाएंगे. इन 2036 ऑल द 9,16,108 सोल्स विल गो अक्रॉस. कंप्लीट सतयुगी दुनिया शुरू हो जाएगी. And the complete golden aged world will begin.